गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कुशल? बहुत खुश है समझकर मैं आज क्लास शुरू कर रही हूँ। चलो, आप सभी क्या कर रहे थे? अभी कर रहे हैं आप, थोड़े दिन में आपको भी खुश शुरू हो जाएगा, आप भी खुश से स्कूल आ जाएंगे। आप थोड़ा बैड फील हो रहा है, सभी आपके बड़े भाई बहन सभी स्कूल जा रहे हैं, आप घर में है, थोड़ा बेजार भी आपको है। चलो, बेजार आपको चल जाएगा। आप सभी कल के क्लास याद है समझकर आगे क्लास को मैं जा रही हूँ। कल के क्लास में क्या करता, थोड़ा रिवीजन करेंगे क्या नहीं? कल के क्लास आपके मदद कर, अपने अपने का आप भी कर लो, अपना काम हम सब करने से सभी को अच्छा लगेगा, है ना? ये करने का क्या है? करने का काम ही क्या है? ये करने का अभी क्या करना? पेन रखना और रखने का काम है ना, वही आज का लेसन। क्या लेसन है आज? कुछ क्रियाएं। ये कुछ क्रियाएं क्या होते हैं? सब एक्टिविटी, कुछ क्रियाएं क्या होते हैं? कुछ मीन्स सब क्रियाएं मीन्स सब एक्टिविटीज। क्या है ये एक्टिविटीज? करने का काम को ही एक्टिविटी। अब हम क्या करते हैं? करने का काम, करने का एक बोध होता है ना, वही शब्द को हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, आप एक उदाहरण के लिए कुछ खेलेंगे, है ना, बगाएंगे, झाड़ू करेंगे, भागेंगे, है ना, सोएंगे। ये सभी आपको सोने का बोध होता है ना, वही हम एक्टिविटी कहते हैं। अब आपको एक्टिविटी के बारे में पता है क्या? खाना, खाना मीन्स खाना है वहाँ, खाना, नहाना, अब खेलना, गाना, नाचना, सोर, ये सबका बोध होता है। ये बोध क्या लेसन हम करते हैं? ये करने का काम को ही क्रिया एक्टिविटी कहते हैं। कुछ शब्द में क्रिया का बोध होता है। क्रिया मीन्स अपना चलता रहता है। अभी इंग्लिश में अभी देखो, मैं खाना मीन्स टू ईट, नहाना टू बाथ, खेलना टू प्ले, अब गाना टू गा सिंग, अब नाचना टू डांस, अब सोना टू स्लीप, ये कहते हैं। ऐसे ही इंग एटिंग मीन्स वो खा रही है, अब प्रेजेंट पे वो चल रहा है, इसलिए वो इंग मिलाते हैं। अभी ये हिंदी में ऐसा है, अभी खाना मीन्स वो खाना खा रहा है, वही क्रिया हो रहा है, इसे क्रिया शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों में क्रिया का बोध होता है, कुछ शब्दों में शब्द क्रिया का बोध होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया शब्द। कुछ शब्दों में क्रिया का बोध होता है, खेलना, भागना, लिखना, पढ़ना, कूदना, बोना मीन्स सिलाना, काटना, ब्रेक करना, और हंसना, ये सभी क्रिया, बचाना, आना, पीना, सोना, ये सभी क्रिया का बोध होता है। देखो, आप ये हंसने का ही
उदाहरण है। आपकी उसमें किताब में खाना, खाना मीन्स क्या है? खाना टू ईट, टू ईट, ईट मीन्स खाना, खाना खा रहे हैं। आप सब कहते हैं, भागते हैं और वेट करते हैं, कपड़े वेट करना, ये सभी किया और टीवी देखना ये भी क्रिया शब्द, ऑफ करना वो क्रिया शब्द, ऐसे क्रिया शब्द होता है। अभी देखो नहाना वो हो रहा है, नहाना टू बार, टू बार ये भी क्रिया हो रहा है, वो पानी नहा रहा है, शब्द का सूचक है क्रिया। और खेलना, खेलना टू प्ले, टू प्ले ये भी क्रियाशब्द। वो खेल रहा है, बॉल खेल रहा है या खो खो खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी, कोई भी हो वो खेल रहा है, खेलने का शब्द है क्रियाशब्द। और गाना खेलना चाहते हैं। देखो ये है ना, ये क्रियाशब्द खेलना, खेलने का भी क्रियाशब्द, अब खेलना ये क्रियाशब्द, खेलने का हो रहा है, खेलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। ओके चिन्ह सुधार के लिए आप सब अभी देखो ये लगाना कौन नेहा
गा रही है, ऐसे नाचना। हाँ, बच्चे नाच रहे हैं, ऐसा सोना। चंदन सोने सो रहा है। ओके चंदन, आपको एक क्रिया शब्द क्रिया का क्या होता है, क्रिया क्रिया है एक शब्द का बोल, एक शब्द एक्शन होते रहता हो, वो कुछ काम करने का था, शब्द का सूचित करने का शब्द ही क्रिया शब्द, कार्य होने का शब्द सूचित करता है वही क्रिया शब्द एक्शन वर्ड्स। वहां वो शब्द में क्रिया होते रहता है उसे क्रिया शब्द होता, क्रिया शब्द हम बोलते हैं। इसके चिन्ह हम क्रिया शब्द क्या है, क्रिया शब्द कई समय उपयोग से हम एक वाक्य बना सकते हैं। आपको जानकारी मिला, समझकर आज के क्लास में समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक यू।